भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशा ने इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। उनका कहना है कि उनके धर्म में इस पेशे की अनुमति नहीं है। सहर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि ऐसा करने वाली सहर पहली एक्ट्रेस नहीं है। उनसे पहले भी जायरा वसीम और सना खान ने भी इस्लाम में अपने झुकाव का हवाला देते हुए शो बीच यानी कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया था। कई सारी मुस्लिम एक्ट्रेसेस ने इस्लाम के लिए अपने काम यानी एक्टिंग करियर को अलविदा कहा है। ऐसा करने वाली हीरोइनों में कई बड़ी और नामी एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं जो काफ़ी मशहूर रही हैं, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशा ने इस्लाम के लिए मनोरंजन इंडस्ट्री को छोड़ दिया है क्योंकि उनके धर्म में उनके पेशे की अनुमति नहीं है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर की है। वह पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने कला के बजाय अपने धर्म को प्राथमिकता दी हो। वास्तव में पहले भी कई एक्ट्रेसेस जैसे जायरा वसीम और सना खान ने भी मुस्लिम बनने के अपने झुकाव का हवाला देते हुए शोबिज छोड़ दिया। सहर अफशा ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक्स एक्ट्रेस सना खान ने लिखा है कि माशा अल्लाह मेरी बहन, आपके लिए बहुत खुश हूँ। ईश्वर आपको आपके जीवन के हर कदम में सफलता प्रदान करें और आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करें और मानव जाति के लिए जजिया-ए खैर बने। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखा है कि बड़ी सफलता और धन पाने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं थी क्योंकि मैंने बचपन में भी इस तरह के जीवन का सपना नहीं देखा था। यह सब संजोग से ही हुआ है। मैं इस इंडस्ट्री में आ गई और आगे बढ़ती रही, लेकिन अब मैंने यह सब खत्म करने का फैसला किया है। मैं अपना बाकी का जीवन अल्लाह के आदेश के अनुसार बिताने का इरादा रखती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि अल्लाह मुझे एक ईमानदार जीवन दे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस दुनिया को उस जीवन से नहीं जानूंगी जो मैंने अब तक जिया है, बल्कि उस जीवन से जिसे मैं आगे जीऊँगी। ये अल्लाह के हुक्म पर चलने से अल्लाह आपको थाम लेंगे। मतलब अगर आप गुनाह कर रहे हो और अगर आपके दिल में है कि नहीं अल्लाह मुझे ये नहीं करना, मुझे नेक हिदायत दे दे, मुझे नेक सही रास्ते पर लगा दे, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रेंगने छोड़ देती है या फिर चलने छोड़ देती है और वो छोटे छोटे कदमों से कभी डगमगा जाता है और कभी गिरने वाला होता है, तो कैसे एक माँ भाग के उसको थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है। वैसे ही अल्लाह सुबहान ताला आपको बचा लेंगे, हर गुनाह से बचा लेंगे, हर उस बुरे काम से बचा लेंगे और आपको एक अच्छे रास्ते पर लगा देंगे। देखिए, ये जो दुनिया में मखलूकात हैं एक दिन फानी हो जानी है। हमारे कुरान पाक में मेंशन भी किया गया है कि ये दुनिया एक धोखे वाली चीज है और ये दुनिया आपसे एक ना एक दिन छीन ली जाएगी। आप आखिरत की फिक्र करें क्योंकि सिर्फ कोई थोड़े अच्छे अखलाक दुनिया में, जो अच्छे अखलाक होते हैं दुनिया के तौर पे, सिर्फ वो काम नहीं आने वाले, उसके साथ साथ हमें अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है क्योंकि इस दुनिया की कीमत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है।